नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम जॉर्ज पंचम की नाक कहानी को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में देखिए, हमने जाना कि जो जॉर्ज पंचम की लाट है उस पर नाक नहीं लगी हुई है और बड़ी ही परेशानी खड़ी हो गई है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो हथियारबंद पहरेदार वहाँ तैनात थे, कोई मजाल की नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह नाकें खड़ी है जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए, लेकिन शान शौकत के साथ उसे उतार कर अजायब घर पहुँचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक भी नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता था। उस समय हादसा हुआ क्या कि वही जॉर्ज पंचम की जो नाक है इंडिया गेट के पास वो गायब हो गई है। रानी आने वाली है, एलिजाबेथ जो आने वाली हैं, और नाक नहीं है तो ये तो परेशानी का काम हो गया है। सरगर्मी शुरू हुई ना, और जो देश के खेर ख्वाह हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई, मामला पेश किया गया और जो है क्या हल निकाले गए वो देखिए। एक मूर्तिकार जो कि कलाकार और पैसे से थोड़ा लाचार है उसको बुलाया गया और उसने देखा कि हुक्कामों के चेहरे देखे सब परेशान हैं, उदास हैं। मूर्तिकार को जब ये काम दिया गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है तो उसने जवाब दिया लग जाएगी, लेकिन मालूम होना चाहिए कि लाट कहाँ बनी है, इसका पत्थर कहाँ से आया है ना। जब फाइलें तलाशी गईं तो फाइलें जो है उनमें कहीं कुछ अंकित नहीं था। कहने का मतलब सरकारी महकमों में जो है ऐसी चीज़ों की जानकारी ही नहीं मिलती, ना जाने वो चीज़ें कहाँ गायब हो जाती है। एक तरह से ये भ्रष्टाचार की ओर इंगित किया गया है। अब जो मूर्तिकार है वो सारी परेशानी जान करके आखिरकार मूर्तिकार को जब दोबारा बुलाया जाता है तो वो कहता है कि मूर्तिकार को हल कर लिया, बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, पूरे भारत में जाएगा ना, जितने भी पहाड़ हैं उन सब में चेक करेगा, जाके वहाँ पर जाँचेगा कि ये किस पत्थर से बनी हुई है लाट। तो देखिए कितने से काम के लिए कितना पैसा जो है सरकारी महकमों में बर्बाद किया जाता है और कैसे कैसे बेतुके हल निकाले जाते हैं उसकी ओर भी यहाँ इशारा है। तो देखिए, और ये जो छोटा सा भाषण है उसका वो जो है अखबारों में छप गया, मूर्तिकार सारे जाता है, लेकिन आखिरकार जब वो लौट करके आता है पूरे भारत में घूम फिर के तो उसे कहीं भी जो है उस लाट का पत्थर जो है भारतीय होने का आभास नहीं होता। वो दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। तो वो जो है अब कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं कि भारत में जितनी भी लाटें लगी हुई है यहाँ के बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, उनको तलाशते हैं, उनकी अगर किसी की नाक अगर फिट बैठ जाती है तो हम वो लगा देंगे। तो देखिए हम अपने लोगों का किस तरह से अपमान करते हैं एक विदेशी के लिए, कि वो जो है दिल्ली बम्बई सब जगह जाता है, दादा भाई नौरोजी, गोखले, शिवाजी ना, कावाजी जहांगीर, सबकी नाकें उसे टटोलता है। गुजरात जाता है, वहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई सबकी मूर्तियों को परखता है। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, और ऐसे ही फिर वो उत्तर प्रदेश में जाता है, चंद्रशेखर बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सबकी नाकों को की जो लाटें हैं उनके नाक। पंजाब भी जाता है तो लाला लाजपत राय है, भगत सिंह, मतलब कहने का वो भारत का कोई कोना नहीं छोड़ता, सबकी जो लाटें हैं उनके नाक का जो पत्थर है या नाक है वो देखता है, लेकिन पाता है कि सबकी लाट पे लगी हुई